से इसको लेकर रिपोर्ट तलब की है। दरअसल एसपी हिमांशु गर्ग को कथित तौर पर धमकी देने से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। एडवोकेट करण सिंह की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है और मामले की पूरी जांच 30 अगस्त सुबह 11 बजे तक पूरी कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी रोहतक से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जरा पूर्व में जाकर ये भी बताएं कि ये मामला आखिर था क्या और अब इस पूरे मामले पर किस तरह से आगे कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक प्रदेश भर में कैंपेन चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब। उसी तरीके से रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकल एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके नाम से एक पर्चा बाजारों में बांटा था। उसमें लिखा था कि भारत भूषण बत्रा जवाब दें कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया है, और इसमें कुछ उनके ऊपर आरोप भी लगाए थे। तो इसको लेकर जब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये पर्चे बांट रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ इनका टकराव हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए और फिर भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिलाओं ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता, खासतौर से जो विधायक के बेटे हैं, उनकी तरफ से महिलाओं को जाति सूचक शब्द कहे गए। इसको काफी विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि विधायक के बेटे के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया और SP ऑफिस के सामने धरना दिया जी। लेकिन पुलिस ने जब बीजेपी कार्यकर्ताओं से सबूत मांगे कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो सबूत दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो सबूत नहीं दे पाए। लेकिन लगातार बीजेपी कार्यकर्ता इस बात पर अड़े हुए हैं, जब एक महिला इस तरह के आरोप लगा रही है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर SP ऑफिस के सामने धरना भी दिया, प्रदर्शन हुए शहर में, और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी उन जो प्रदर्शनकारी थे भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ आ गए और उन्होंने भी मांग की कि कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज नहीं किया तो काफी विवाद हुआ और पुलिस के साथ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। इसके बाद पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने SP को चेतावनी दी कि आपके पास 1 महीना है, अगर 1 महीने बाद हम देखेंगे आपका क्या हाल करेंगे। इस तरह की एक कथित वीडियो वायरल हो रही है, उसको लेकर शिकायत की गई थी हरियाणा निर्वाचन आयोग को। और उस शिकायत के आधार पर रोहतक के DC जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं फिलहाल, उनको नोटिस जारी किया गया है कि कल 30 अगस्त तक आपको सुबह 11 बजे तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर हैं कि रोहतक के SP को धमकाने की जो बात है उस वीडियो के अंदर, तो उसकी जांच करने के आदेश दिए। और पूर्व मंत्री, अगर इस तरह की उन्होंने धमकी दी है तो उसके खिलाफ उचित एक्शन भी लेने की बात कही है। तो कल 11 बजे तक का वक्त दिया गया। ठीक है, साथ ही धीरेन्द्र, कहा यह जा रहा है कि इससे जो पूर्व मंत्री है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा वो जता रहे हैं और ऐसे में अगर उनके ऊपर इस तरह से कोई कार्रवाई होती है या चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता है तो फिर ये कारण है कि मुश्किलें बढ़ सकती है उनकी? देखिए, वो बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं टिकट के और इसको लेकर लगातार विवादों में भी रहे हैं। पहले भी इस तरह की मनीष ग्रोवर की तरफ से कुछ बातें सामने आई थी जो काफी विवादास्पद थी, उसको लेकर भी जो पार्टी के दूसरे नेता हैं वो भी वक्त बेवक्त मनीष ग्रोवर की शिकायत करते रहते हैं, जो दूसरे टिकटार्थी है। आमतौर पर ऐसा होता भी है, सभी पार्टियों में होता है। तो अभी मनीष ग्रोवर ने पिछले दिनों ये भी ऐलान किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अगले दिन फिर से उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कार्यकर्ताओं का मेरे ऊपर दबाव है। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मौसम है, इस वक्त इस तरह की बातें चलती रहती है। लेकिन जो रोहतक के अंदर चल रहा है, पिछले एक सप्ताह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं, और अब ये मामला हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी जा चुका है, निर्वाचन आयोग तक भी जा चुका है। अब कल देखना है कि क्या जो SP को कथित तौर पर मनीष ग्रोवर की तरफ से धमकी दी गई है उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है धीरेन्द्र, आप नजर बना के रखें, कल सुबह 11 बजे तक इस पूरे मामले पर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।